हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है इसको। तो इसका समय निर्धारण कब से कब तक है? देखो, ये है इसका समय निर्धारण है 1500 BC से 600 BC। ये 1500 है, 1500 BC से 600 BC माना जाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का है ये, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे, अतः वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि वैदिक संस्कृति के प्रवर्तक कौन हुए थे? आर्य हुए थे, इसलिए इसको आर्य सभ्यता कहा गया है या वैदिक सभ्यता कहा गया है। अब इसको जो है वो दो भाग में डिवाइड कर दिए है, दो कालखंड है इसका वैदिक सभ्यता का। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी पहले जो हुआ उसको पूर्व कहा जाएगा, उसके बाद वाले को क्या कहा गया है? उत्तर कहा गया है। तो पूर्व वैदिक काल जो है उसका समय निर्धारण कब से कब तक है? 1500 से 1000 है। यहाँ टोटल समय है 1500 से 600, यहाँ क्या है 1500 से 1000 BC है, और यहाँ 1000 BC से 600 BC तक क्या है? ये उत्तर वैदिक काल। अब हम आगे देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास जो था वो क्या था, मतलब आर्य जो है वो इंडिया में आए थे, लेकिन कहाँ से आए थे ये इतिहासकारों ने अपने अपने मत से बताया है। जैसे एक इतिहासकार या विद्वान हुए हैं विलियम जोन्स, उन्होंने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं? यूरोप से भारत आए हैं आर्य। कहाँ से आए हैं बोलो है इन्होंने? यूरोप से आए हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे यम, यम आ रहे हैं धरती पे, किसके रूप से आ रहे हैं? ऐसे याद रख लो, रोप रोपवे से आ रहे हैं यम धरती पर, ऐसा यम रोप। नेक्स्ट आएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। कहा है, क्या कहा है? आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। अच्छा, इस समय क्या था कि एक शिला लेख के बारे में जानकारी मिलती है कि ये शिला लेख जो है वो विश्व का प्रथम शिला लेख भी कहा गया है। इसका नाम क्या है? बोगच कोई शिलालेख। बोगच कोई शिलालेख, इसको क्या कहा गया है? विश्व का प्रथम शिलालेख भी कहा गया है। ये कब प्राप्त हुआ है? ये 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसकी क्या खासियत है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि चार देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है। किस क्या कौन कौन से देवता के बारे में लिखा गया है? इसमें चार देवताओं के नाम इसमें लिखे गए हैं। पहला है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। सो कैसे याद रखेंगे? इंद्र और वरुण, इंद्र और वरुण क्या है? मित्र है, ठीक है। इंद्र और वरुण क्या है? मित्र है, ये कहा गया, लेकिन ये सत्य नहीं है, ऐसा है। नासत्य याद रखना है ना हमें, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये है ईरानियों का ग्रंथ, ईरानियों का ग्रंथ कौन सा है? जेंदा विस्ता। अब जेंदा विस्ता जो है वो ईरानियों का ग्रंथ है, लेकिन इसकी कंपेयर किससे की जा रही है? किससे की जा रही है? हमारे ऋग्वेद से कहा गया, ये हमारा जो वेद है ना ऋग्वेद, उससे इसकी समानता मानी जाती है। ये हो गया मैक्स मूलर का आर्य मध्य एशिया से आया है, ये कहा है कि हमने दो अभी देख लिए हैं। तीसरे कौन है विद्वान? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं? कहा है आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से भारत आए हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का जब भी आ गया या बाल गंगाधर तिलक का नाम आ गया, तो इसको याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुव क्या था? एक बालक था, इसकी कहानी हम पढ़ते हैं ध्रुव बालक की। जैसे प्रहलाद हुआ था वैसे ध्रुव बालक भी हुआ था, ये भी बहुत ईश्वर का भक्त था। तो ध्रुव क्या था? बालक था। तो उससे याद रखना है बाल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो बुक का नाम क्या है? द होम ऑफ द वेदास। ये बाल गंगाधर तिलक की बुक का नाम है, ठीक है। यानी बाल कहाँ रहते, बच्चे कहाँ रहेंगे छोटे में? होम में रहेंगे, ऐसा याद रख लो। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ये क्या कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से भारत आए थे आर्य, ये बोल रहे हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इनकी जो है वो बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो इसको हम याद रखते हैं कि सरस्वती, सरस्वती कहाँ विराजमान करती? जहाँ सत्य होता है, जहाँ सत्य होगा वहाँ सरस्वती विराजमान होगी,
ऐसे याद रख लेते हैं हम, ठीक है, इनकी बुक का नाम। और इन्होंने क्या कहा है, आर्य कहाँ से आते हैं, तिब्बत से आए हैं, ये बताया है। नेक्स्ट है हमारा पंडित गंगाधर झा। पंडित गंगाधर झा, इन्होंने क्या कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं, कहा है इन्होंने भारत के मूल निवासी ही है। इन्होंने कहा है कि आर्य क्या है, भारत के मूल निवासी है और ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश में रहते हैं। अब ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसको कहा गया है, जहाँ ऋषियों का डेरा रहा होगा, जैसे पहाड़ है, गुफा है, ये जो प्राकृतिक जो नेचर जो रहेगा ना, नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे ऋषियों का मेन कहाँ माना जाता है, हिमालय के आसपास माना जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया, इस टाइप के एरिया में क्या कहा गया है कि ऋषि प्रदेश में रहते हैं, उसी को ऋषि प्रदेश कहा गया है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हरिद्वार से निकलती है, हरिद्वार में क्या कौन रहते हैं, ऋषि रहते हैं, ऐसे हम लोग लिंक बना लेते हैं। तो जब भी गंगाधर का नाम आएगा, पंडित गंगाधर झा का, तो ये याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि जो आर्य है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश में रहते थे, यानी भारत के ही मूल निवासी थे, ये कहा है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सिद्धांत के अनुसार जो सप्त सिंधु प्रदेश में थे, सप्त सिंधु प्रदेश किसको कहा गया है, सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी तो मेन है लेकिन उसकी जो सहायक नदियाँ जो उनसे मिलके बना है एरिया, उसको कहा गया है सप्त सिंधु प्रदेश। तो इस प्रकार इन्होंने भी क्या कहा है कि भारत के ये क्या है, मूल निवासी है। अच्छा, ये जो भारतीय सिद्धांत दिया है किसने दिया है, अविनाश चंद्र दास ने, अविनाश चंद्र दास ने, और इनकी बुक का नाम क्या है, ऋग्वैदिक इंडिया। इंडिया का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो क्या है, अविनाशी। तो ऋग्वैदिक इंडिया हमने ये याद कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश जो कहा गया है, एरिया ऑफ सेवन रिवर्स, ठीक है, तो इन सातों जो नदियां हैं इनका ऋग्वेद में क्या नाम था, ये हम देख लेते हैं ऋग्वेद में इनका नाम क्या था। तो देखो, जो मैंने सप्त सिंधु प्रदेश कहा है उसमें पहली नदी क्या है, सिंधु, पहली नदी क्या है, सिंधु है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्य, क्या कहा गया है, हिरण्य कहा गया है। जैसे हिरण है वो क्या लगा के घूम रहा है, सिंदूर लगा के घूम रहा है, ऐसे याद रख ले सकते हैं हम, हिरण को क्या लगा दिए हैं, सिंदूर लगा दिए हैं। झेलम, झेलम को क्या आएगा, ये वितस्ता, झेलम वितस्ता, यानी किसी को झेल झेल के क्या हो गए, झेलना मतलब त्रस्त हो गए हैं। देखो बिल्कुल यानी कि जुड़ रहा है, झेलना मतलब त्रस्त हो गया झेल के उसको, तो झेलम नदी का नाम आएगा वितस्ता। चिनाब, चिनाब का क्या आएगा, आस्किनी, आस्किनी। तो अब देखो इसको कैसे बनाया जा सकता है, चिनाब, चिनाब से याद रखना है चना, ये चना बन जाएगा चिनाब का चना। आस्किनी मतलब स्किन कर देते हैं इसको हम, क्या कर देते हैं, स्किन। तो स्किन के लिए क्या अच्छा रहता है, चना खाने से स्किन अच्छी ग्लो करती है, ऐसा याद कर सकते हैं हम। जो है वो लिंक करना है, ट्रिक बनाना है, याद रखना है, क्योंकि ये सब भूल जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, कि सिंधु का क्या था, झेलम का क्या था, रावी का क्या था, ये भूल जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे ट्रिक बनाएंगे। क्योंकि मैंने जिस ट्रिक से याद किया है अपने एग्ज़ाम में, मुझे जैसे ही मैं क्या बोलते हैं, जैसे मुझे मैंने जो याद किया कि चना और इसका स्किनी का स्किन, तो मैं ऑप्शन देख के ही टिक कर दूंगी, ऐसा है। तो मैंने अपने लिए जो जो बनाया है ट्रिक वो मैं बता रही हूँ, आप लोग को और अच्छा ट्रिक मिलता है आप लोग बनाइए, अपने से दिमाग लगाइए और बहुत अच्छा, इससे अच्छा बना सकते हैं। हर इंसान के पास इतना दिमाग होता है कि वो अच्छे से अच्छा ट्रिक बना सकता है, उसको इजी मेथड बनाना है हमें याद रखने का, ठीक है। तो अब देखते हैं रावी, रावी का क्या आएगा, परुषणी, रावी का क्या है, परुषणी। तो रावी से हम बना देते हैं रवि, रवि क्या है, एक पुरुष है, ऐसा बना दो, रवि क्या है, एक पुरुष है। अच्छा, व्यास, व्यास से ये याद रखना है बिपाशा, अब ये तो वैसे ही बन रहा है, देखो व्यास का विपासा, ऐसा ये व स प व ऐसा बन रहा है, तो ये याद रहेगा व्यास का विपासा। और सतलज का शत्रुद्धि, ये कुछ कुछ नाम बिल्कुल सेम सेम होते जा रहे हैं, देखो व्यास का विपासा, सतलज का शत्रुद्धि, ये नहीं भूलेंगे। सरस्वती का है
सरस्वती, सरस्वती है ये, तो ये भी नहीं भूल सकते हैं, ये नाम मैच कर रहा है इसलिए, जैसे भूलने लायक है। सिंधु का क्या आएगा, झेलम का क्या होगा, चिनाब का क्या होगा, रावी का क्या होगा, ये सब जो है वो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है इसलिए इनको भूला जा सकता है, इसलिए इसके लिए ट्रिक बना लीजिए। अच्छा, सरस्वती को क्या कहा गया है, सरस्वती नदी को कहा गया है नदियों की माता। नदियों की माता किस नदी को कहा गया है, सरस्वती नदी को कहा गया है। और क्या है, ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी भी इसी को कहा गया है, ठीक है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी वो अभी भी बहती है, लेकिन वो जमीन के अंदर से बहती है, ये कहा गया है। वो विलुप्त, हमें तो ऐसा लगता है कि वो विलुप्त हो चुकी, लेकिन नहीं, मान्यता है कि ये अभी भी बहती है ये, लेकिन भूमि के अंदर से बहती है ये, ऐसा बताया जाता है किसी किसी वेदों के अनुसार, ठीक है, ये मैं अपने अनुसार नहीं बता रही हूँ। अच्छा देखो, कुछ कुछ और नदियों के नाम भी है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे गंडक नदी है, गंडक है, घग्गर है, गोमती है, काबुल है। काबुल का याद रख सकते हैं हम, कुंभा होगा, गोमती का गोमल नाम जो है मैच कर रहा है, घग्गर का है दृष्टिदिति, दृष्टिदिति, ठीक है। और गंडक का क्या होगा, सदा नीरा, सदा नीरा मतलब घड़ा, गंडक से हम लग याद रख सकते हैं, ये घग्गर का घड़ा और गंडक का गुंडी, गुंडी रहती है ना जिसमें पानी भरते हैं, वो सदा कैसा रहेगी, नीरा रहेगी ऐसा। तो ये हमने देख लिया है सात नदियों के नाम, उसका ऋग्वेद में क्या नाम था। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और कि वेदों में, अब देखो नोट्स पॉइंट मैंने बना के रखा है कि वेदों में सिंधु का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, यानी जो वेद है उसमें सबसे ज़्यादा जिस नदी के बारे में उल्लेख किया गया है वो कौन सी नदी है, क्वेश्चन आ सकता है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सिंधु है, ऐसा तो हमें लगेगा कि गंगा नदी होगी क्योंकि गंगा नदी के बारे में ज़्यादा जानते हैं लोग इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों में सिंधु नदी का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक है, और गंगा नदी का प्रयोग कितने बार हुआ है, एक बार। यमुना का जिक्र कितने बार हुआ है, तीन बार, तीन बार हुआ है मतलब देखो यमुना में कितने वर्ड हैं, यमुना में 1, 2, 3, तो ऐसे याद रख लो कि यमुना का कितने बार हुआ जिक्र, तीन बार हुआ है। अच्छा, सरस्वती को हमने जैसे देखे नदियों की माता कहा गया है, तो वही उसका नाम क्या हो जाएगा, माते तमा या नदी तमा भी कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नदियों की माता और नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, किसको, सरस्वती को, ये याद रखना है, सरस्वती को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, नदियों की माता कहा गया है सरस्वती को, और सबसे पवित्र नदी मानते थे आर्यस को, सरस्वती नदी को, ठीक है। तो सरस्वती नदी के बारे में इतना पॉइंट याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि वैदिक संहिता के अनुसार क्या क्या दिया गया है। वैदिक संहिता में कहा गया है कि श्रुति, श्रुति किसे कहा गया है वैदिक संहिता में, जिसे सुनकर लिखा गया या समझा गया हो उसे क्या कहा गया है, श्रुति, मतलब जैसे जो वेद है या और कोई ग्रंथ है उसको, यानी कि अगर सुन के लिखा गया है या समझा गया है तो उसको क्या कहा गया है, श्रुति। और जो निरंतर हो, जिसका अंत नहीं है, उसे क्या कहा गया है, नित्य कहा गया है, नित्य कहा गया है जो निरंतर हो। अपौरुषेस मतलब जो किसी अपौरुष के द्वारा रचित हो, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, जो किसी अपौरुष के द्वारा रचित हो, ये देख लिए। अब देखो जो हम देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं वेद, मोस्टली लोग को पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ कि वेद कितने हैं, हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो तीन हैं, देखो सामने के जो तीन हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों के जो ग्रुप है, इन तीनों का एक ग्रुप है समझ जाओ, इनको क्या बोलते हैं, त्रयोवेद, इनको क्या बोला गया है, त्रयोवेद कहा गया है या आर्यवेद। ये तीनों का अगर आर्यवेद कहा गया है तो इसका अपोजिट क्या होगा, आर्य का अपोजिट अनार्य, अनार्यवेद किसको कहा गया है, अथर्ववेद को कहा गया अनार्यवेद। और क्या गया है, जैसे अथर्व से अनार्थवेद, ये भी आ जाएगा, तो इसके दो नाम हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया अनार्थवेद किसे कहा जाता है, चारों दे दिए रहेंगे ऑप्शन में, तो क्या आएगा हमारा, अथर्ववेद, और सही आंसर होगा। इन तीनों को मिला के बनता है त्रयीवेद और आर्यवेद, और इसे अकेला कहा गया अनार्थवेद और अनार्यवेद।
ठीक है। अच्छा, वेदों के जो संकलन करता है वो कौन है? वेदों के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपाया, ये या वेद व्यास कहा गया है, ठीक है। वेदों के संकलन करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेद को डिटेल में। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखो ये दिया हुआ है, विश्व का सर्वप्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देवताओं की प्रसन्नता में लिखे गए मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र लिखे गए हैं, उनकी प्रसन्नता में लिखे गए मंत्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में क्या है? एक संहिता है जिसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये अब बहुत कॉमन हो गया है, ये हर किसी को पता रहना चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। और पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। कौन कौन सा मंडल लास्ट में जोड़ा गया है याद रख लो, फर्स्ट एंड लास्ट, ओके। वन से 10 तक है तो पहला और 10वां। अब सोचेंगे पहला कैसे बाद में जोड़ा गया? अभी देखो मंडल जो है ना वो उनकी विशेषता के हिसाब से जोड़ा गया है उनको, ठीक है। पहले से सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ना वो बन चुके थे, लेकिन जब जोड़ा गया तो फर्स्ट मंडल में कुछ नया रहा होगा, उसको बाद में बनाया गया लेकिन उसको पहले जोड़ दिया गया है, तो उसको फिर जो है ना वो संख्या दे दी गई कि इसको हम अब से फर्स्ट मानेंगे, ठीक। तो पहला मंडल जो है और 10वां मंडल जो है उसको सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसमें कितने 10 मंडल हमने देख लिए। अच्छा, इसमें सुक्तियाँ कितनी हैं? सुक्तियाँ जो है वो 1028 सुक्तियाँ है और 10580 ऋचाएँ या मंत्र है ऋग्वेद में। देखो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया, सामने में सबके 10 10 है ना। अब यहाँ पे 28 आ गया और यहाँ क्या आ गया? 58 आ गया और 0, ऐसा याद रख लो कुछ भी। यहाँ 28, यहाँ 58 बस। अच्छा, जो तीसरा मंडल है उसमें क्या कहा गया है? तीसरे मंडल में क्या रखा गया है? गायत्री मंत्र को रखा गया है। किसको रखा गया है? गायत्री मंत्र को रखा गया है। किसको समर्पित है? विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तीसरा में गायत्री मंत्र। गायत्री में कितने वर्ड आ रहे? 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये कौन से मंडल में आएगा? तीसरे मंडल में। और सातवें मंडल में, सातवें मंडल में क्या है? युद्ध के बारे में दिया गया है। सातवें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। अच्छा, युद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं? दो लोग मिल के करेंगे, साथ साथ करेंगे तब युद्ध होगा। साथ साथ करेंगे तो युद्ध होगा, तभी याद कैसे रखना है हमें? कुछ ना कुछ तो बनाना है। साथ साथ युद्ध कर रहे हैं राजा लोग, ऐसा मतलब सातवां मंडल लाएगा, ठीक है। साथ साथ युद्ध कर रहे हैं सातवां मंडल। 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। तो इसलिए इस युद्ध को क्या कहा गया है? दाशराज्ञ युद्ध कहा गया है। ये कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर। कहाँ हुआ है? रावी नदी के तट पर हुआ है। इसके विजेता कौन थे? जो दो लोगों के बीच में हुआ है, ये युद्ध हुआ है, इसके विजेता कौन रहे हैं? पहला है भरत कबीले जन वर्सेस पुरु कबीले जन, दो है। अब भरत कबीले में क्या हुआ? कहीं कहीं कहा जाता है कि जो भरत कबीले जन है इन्हीं के नाम से भारत जो रखा गया है, हमारे देश का नाम वो रखा गया है भारत, ठीक है। तो हमारा जो भरत कबीले जन है इसमें समय राजा कौन थे? सुदास थे राजा। और पुरोहित कौन थे इस समय? तो वरिष्ठ को पुरोहित कहा गया है। और पुरु कबीले जन में कौन थे? 10 राजा थे, ठीक है। यहाँ कितने राजा थे? 10। और यहाँ राजा कौन था? सुदास। और यहाँ पुरोहित कौन है? विश्वामित्र हैं यहाँ पर पुरोहित। लेकिन विजेता कौन हुए? विजेता हुए राजा सुदास, मतलब भरत कबीले जन हमारे भारत में जीते हैं। भरत से भारत याद रखना है, यानी भारत जीता है, ठीक है। इसको पुरु को पाकिस्तान मान लो, भरत को इंडिया मान लो। भरत भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कौन जीतता है? हमारा इंडिया जीतता है। वही सोच लो कि भरत कबीले जन में कौन जीता? भरत कबीले जन के सुदास जीते, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा नौवां मंडल। देखो मैं जो छोटे छोटे ट्रिक बनाते जा रही हूँ ना, ये देखो स्किप अगर करेंगे वीडियो को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, फिर याद मत करना फिर ये सब चीज़ें। इसलिए जो बता रही हूँ उसको अच्छे से याद कीजिए, अपने ट्रिक जो है वो कहीं नोट करते रहिए। जैसे नोटबुक है उसमें बगल में एक ट्राइंगल बॉक्स बना लीजिए, उसमें नोट करो, ठीक है? तो ये हमेशा याद रहेगा, एक बार याद कर लेंगे वो सीधा एग्जाम हॉल में टिक कर सकते हो, ऐसा अपना यानी कि दिमाग बनाओ। नेक्स्ट है हमारा नौवा मंडल। नौवा मंडल में जो है वो सोमदेव का उल्लेख हुआ है, ठीक है? किसका उल्लेख हुआ है? सोमदेव का उल्लेख हुआ है। और दसवें मंडल में क्या है? दसवें मंडल में है, अच्छा सोम क्या होता है? सोम यहाँ पे होता है जैसे शराब को कहा गया है, तो मैंने सोम का जैसे नौ का नाइन होता है, नाइन का वाइन बना दिया मैंने, नाइन का वाइन, और वाइन से हम याद रख लेंगे सोम मंडल। देखो अच्छा ट्रिक है ना याद रखने के लिए, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, ऐसा इसलिए बनाई हूँ मैं। दसवें मंडल में किसको रखा गया है? पुरुष सूक्त सिद्धांत या वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त सिद्धांत या वर्ण व्यवस्था को रखा गया है दसवें मंडल में। इसको कैसे याद रखेंगे वर्ण व्यवस्था को, या पुरुष सूक्त यानी पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था है, जैसे दसवां यहाँ पे देखो मैंने बनाया है एक ट्रिक। वर्ण को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्ण यहाँ ऊपर में अगर मात्रा नहीं लगाएंगे तो ण कैसे होगा? ऐसा होगा, और ऐसा होगा जीरो वन, ऐसा बनेगा ण। ण को उल्टा कर दो क्या बन गया? दस बन गया। ये अब मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाया, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ट्रिक। अगर आपको ये पसंद है तो ये भी आप अपने इसमें बल्ले नोट कर सकते हैं। तो जो दसवां मंडल है इसमें क्या है? पुरुष सूक्त जो किया है वो चार पुरुष सूक्त वर्ग है। कितने वर्ग है? चार पुरुष सूक्त वर्ग है। इसमें जो है कर्म के आधार पे बंटवारा किया गया है, इनको देखो बांटा गया है कर्म के आधार पे। तो जो ज्ञान का भंडार रहता था, जो ज्ञानी रहते थे, उनको क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। जो यानी कि पुरोहित वर्ग जो रहते थे, जैसे जो मंदिरों में पाठ किया करते हैं, उनको कौन सा दे दिया गया है? ब्राह्मण। और जो रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और जो सेवा करते थे उनको शूद्र कहा गया है। यानी कर्म के आधार पे यहाँ पे बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि जो जिस ब्राह्मण है तो उसका अगर जैसे कोई ब्राह्मण है उसका बेटा अगर व्यापार कर रहा है तो वो भी ब्राह्मण ही होगा, नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? वो वैश्य कहलाएगा। उस समय कर्म के आधार पर ही जो है वो बांटा जाता था वर्गों का, जो है वो बांटा गया था वर्गों को। अगर क्या कोई रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय होगा, लेकिन अगर इसका बेटा अगर ज्ञानी है, वो ज्ञान का प्रसार प्रसार कर रहा है या कुछ पाठ कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। इसलिए एक घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हो सकते थे, ऋषा था पहले का समाज, ठीक है? ऋग्वेद के हिसाब से ऐसा बांटा गया था, ये बताया गया है। किस में बताया गया है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, दसवें मंडल में ये इसको बांटा गया था पुरुष सूक्त वर्ग में, चार इसमें चार वर्गों में बांटा गया था। अब ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस किस शब्द का उल्लेख किया गया है, कौन कौन से शब्द को कितने बार कहा गया है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, अब हर किसी चिकज का ट्रिक होता है, किसी का नहीं हो पाता है ट्रिक। जैसे इंद्र है, इंद्र का कितने बार किया गया है, पिता का कितने बार किया है नाम यानी कि शब्द उल्लेखित किया गया है, माता का, अग्नि का, गौ का। जैसे एक ये देख लो, राजा क्या क्या होता है? राजा एक होता है, किंग क्या होता है? वन होता है किंग। कोई भी जगह पे किंग तो एक ही होगा ना, बाकी के दो किंग तो हो नहीं सकते किसी जगह पर, तो किंग क्या होगा? एक होगा, ये याद रख ली। वन पृथ्वी क्या है? एक है, ठीक है? और पृथ्वी की सेवा करने वाला भी एक है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है? और बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु माना गया है ना, बृहस्पति क्या है? गुरु भी वो कहते हैं। तो गुरु के पास कौन आ गया है? दो शिष्य है, एक गुरु और एक शिष्य, मिलके क्या बन गए? एक और एक ग्यारह बन गए, ऐसे याद कर लिया हमने। और क्या है यहाँ पे देखो, ब्राह्मण, ब्राह्मण को 15 बार, इस ब्राह्मण शब्द को यानी कि ऋग्वेद में 15 बार दोहराया गया है, ये कहा गया है। सोम शब्द को 144 बार, सोम शब्द को कितने बार किया गया है? 144 बार किया गया है। आर्य को 36 बार, जन को 270, ऐसी यमुना का हमने देखा था, यमुना कितना था? थ्री टाइम्स था। गंगा का 1 टाइम है,
ठीक है, और कृषि का 33, ठीक, ये ऐसा इसको देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो ऋग्वेद का हमारे हमने जो देखा वो इतना है, आगे हम सामवेद के बारे में देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सब टिप्स जो है ना, ट्रिक वो प्राप्त हो सके, अच्छे से वो अपनी स्टडी कर सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।